हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एनडीए का फॉर्म फिल करना सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि एनडीए का एग्जाम गर्ल्स के लिए फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है, और जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है उनके लिए मैंने दो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उनमें से किसी पे भी क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो लास्ट डेट की वेट नहीं कीजिएगा। वैसे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। फॉर्म फिल करने से पहले आप कुछ डिटेल्स अपने पास रेडी रखें, जैसे आधार कार्ड नंबर, अगर आप OBC या SC कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट जिसने इशू किया है उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन, यानी जैसे कि वो तहसीलदार ने इशू किया है या नायब तहसीलदार ने इशू किया है, ये मेंशन करना है, और उसकी डेट क्या है, कब इशू करवाया था, और ईमेल एड्रेस। अगर आपका कोई ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लें, क्योंकि उसमें ईमेल एड्रेस भी पूछेंगे। फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो रेडी रखें डिजिटली, मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट अपनी फोटो क्लिक करें और उसे क्रॉप करके जिस फॉर्मेट में बोला गया है उस फॉर्मेट में रेडी रखें। अपने सिग्नेचर एक पेपर पे साइन करें और फोटो खींच लें, और आधार कार्ड की PDF फाइल रेडी रखें। ओके, अब फॉर्म फिल करते हैं। और हाँ, एक और बात कि अलग अलग विंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि आर्मी विंग में अगर किसी को जाना है, यानी इन्फेंट्री में, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर किसी को एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना है तो उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्लिक करें क्लिक हियर फॉर Part 1। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप उनको रीड करेंगे और लास्ट में डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आपने वो सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। और फिर यहाँ लास्ट में ऑप्शन है, क्योंकि अब की बार फॉर्म फिर से रीओपन हुए हैं सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए आपको यहाँ मेंशन करना है आर यू विमेन और मैन से येस। फिर आपका इस तरीके का फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें मेंशन कीजिए। माइनॉरिटी जैसे कि मुस्लिम ग्रुप अपने यहाँ माइनॉरिटी में आता है, क्रिश्चियंस, इस तरीके से अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वो मेंशन कीजिए। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑप्शंस आएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कि आपने 12th क्लास पास कर ली है और उसमें 10+2 पैटर्न फॉलो किया है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है आपने 12th पास की है और 10+2 पैटर्न फॉलो किया है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स थे। तीसरा ऑप्शन है कि अभी आप अपीयर कर रहे हैं, अभी आपके पास नहीं हुए, आप 12th क्लास में हैं प्रेजेंटली और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आप अपीयर कर रहे हैं लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो आपके पास जैसा भी आपका है आप उसके अकॉर्डिंग इसे फिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में मैं फिल कर रही हूँ कि अपेयरिंग एट थर्ड ऑप्शन, जिसमें ये है कि अभी अपेयरिंग है कैंडिडेट और 12th क्लास में है और उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है। फिर और डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे कि एड्रेस एंड देन योर डिस्ट्रिक्ट, योर स्टेट, पिन कोड ज़रूर फिल कीजिएगा। वैसे भी जिन सबके आगे रेड कलर का स्टार लगा होता है वो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, आप जब तक उन्हें फिल नहीं करेंगे फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर ईमेल एड्रेस, फिर कंफर्म कीजिएगा उस ईमेल एड्रेस को। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है क्योंकि उसके आगे रेड कलर का स्टार नहीं है। मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं और इन्हें हाइड कर दिया है प्राइवेसी के लिए। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेंशन करना होगा कि आप कौन सा देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, लाइसेंस नंबर देना चाहते हैं, तो आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस केस में मैंने आधार कार्ड चूज किया। फिर उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो आईडी नंबर, यानी जैसे इस केस में आधार कार्ड नंबर, फिर उसको कंफर्म करवा रहे हैं ताकि हम कोई गलती ना करें। देन अगला ऑप्शन है प्रेफरेंसेस ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जाम, यानी इसमें आप सबसे ज्यादा किसको प्रेफर कर रहे हैं। जैसे इस केस में तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया था कि हम अपीयरिंग है और हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं है वो नेवी और एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है आर्मी का। लेकिन जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं जिनके पास, वो आप अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एयरफोर्स को ज्यादा पसंद करता है तो वो वहां 1 लिखेगा, और फिर अगर मान लो उसे नेवी पसंद है तो वो नेवी पे 2 लिखे, फिर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज, क्या आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो से येस, अदरवाइज नो। अनदर ऑप्शन इज वेदर यू आर डॉटर ऑफ JCO, NCO, अदर रैंक ऑफिसर्स,
एंड स्टडिंग इन सैनिक मिलिट्री स्कूल, अगर आपके लिए ये वैलिड है तो येस, अदरवाइज नो, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपके पास आपका फिल किया हुआ पार्ट वन कंप्लीट फिल होकर आएगा, जिसे मैंने हाइड किया हुआ है। तो अब वो इसलिए आता है ताकि आप चेक कर सकें कि अगर कोई गलती हुई है, तो यहाँ नीचे अपडेट का ऑप्शन है, उस अपडेट का ऑप्शन है, उसमें आप अपडेट पे क्लिक करके उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं, तो फिर आप ये रैंडम इमेज यहाँ फिल कीजिए, कैप्चा यहाँ फिल कीजिए और फिर आई अग्री पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे, वो एक बार फिर आपसे पूछेंगे कि अगर आप एक बार अग्री कर जाते हैं और आप आगे मूव करेंगे, अब इसके बाद आप पार्ट वन में कोई एडिटिंग, कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसे अच्छे से चेक कर लें आई अग्री और ओके पे क्लिक करने से पहले। फिर ये स्लिप, प्रिंट स्लिप ऑप्शनल होता है, लेकिन इसे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी डिटेल्स बाद में मांग ली जाती हैं जब रिजल्ट आता है या कुछ भी आगे फर्दर रेफरेंस के लिए, ऐसी चीज़ें हम हमेशा रख लेनी चाहिए। तो इसमें प्रिंट स्लिप पर क्लिक किया। और अगर इस वक्त आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, उससे पहले ये कुछ डिटेल्स मांगेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसे सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, वो आपके डेस्कटॉप पे जो जिस भी लोकेशन पे आप सेव करेंगे वहाँ सेव हो जाएगी। फिर आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फोटो साइन और अपना फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना होगा, जिसमें फोटो और साइन दोनों इमेजेस हैं और आपका जो आईडी प्रूफ होगा, जो जैसे कि हमने इस केस में आधार कार्ड लिया था, वो एक पीडीएफ फाइल होगी। आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर अपने जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप, पीसी है तो पीसी, उसमें आप चेक करेंगे कि वो फाइल कहाँ सेव है, आपको पता होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर लोकेशन से आप अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे वो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप साइन के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और सेम प्रोसीजर आप आईडी के लिए फॉलो करेंगे। जब ये तीनों चीज़ आप चूज कर चुके होंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज पर। अगर सब ठीक रहा तो वो अपलोड हो जाएगा, वरना कभी कभी एरर आएगा साइज से रिलेटेड, कि फोटो का साइज ठीक नहीं है या सिग्नेचर का साइज ठीक नहीं है। उसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, हाउ टू रीसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेजेस क्लिक हियर। तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो एक ऐसी फाइल खुलती है जिसमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको फाइल का साइज कैसे चेंज करना है इमेज का। आप उसके लिए क्या करेंगे, पेंट में जाएंगे, रीसाइज पर क्लिक करेंगे, वहां जो भी पिक्सल्स गिवन है उतनी पिक्सल सेट करेंगे और फिर हाइट विड्थ सेट करके सेव कर देंगे। और सेव करते वक्त ध्यान रखेंगे कि फाइल का साइज 20 KB से कम ना हो और 300 KB से ज़्यादा ना हो, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तब तक आप इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन इमेजेस को सेट नहीं करेंगे, ये अपलोड नहीं होंगे। जैसे हमारे अब अपलोड हो गए हैं, मैंने उन्हें हाइड किया है प्राइवेसी के लिए। अपलोड होने के बाद आप चेक करें कि ये जो आपने अपलोड किया ये ठीक है कि नहीं। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ऑप्शन आएगा कंफर्म दैट यू आर अ वुमेन कैंडिडेट, वहां आप येस पर क्लिक करेंगे। फिर आप दोबारा अपनी फोटो आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, जैसे इस केस में हम अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे, वो आप देख लीजिए आपका सबसे नज़दीकी सेंटर कौन है, कौन सा है। जैसे इसमें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजवाल, अजमेर, अलीगढ़ एंड सोन। तो हमारे नज़दीक जैसे दिल्ली है सपोज, तो हमने दिल्ली पे क्लिक किया। फिर आप डिक्लेरेशन पढ़ेंगे और अगर आप उस सब के साथ एग्री हैं, जो मोस्ट प्रोबली आपको होना ही पड़ेगा, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री। इस पर क्लिक करेंगे तो ही फॉर्म कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। ये करने के बाद आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपके पास जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर एक्नॉलेजमेंट आ गई होगी कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। और फिर आप चाहें तो आप इस फॉर्म को व्यू कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। फिर उसके बाद द विंडो, आपका फॉर्म भरा जा चुका है।